जैसे कि आपको पता ही है कि कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से जो कनाडा इमिग्रेशन के रूल्स हैं उनको काफी चेंज किया जा रहा है। पहले भी काफी चेंजेस किए गए थे तो अब भी अप्रैल में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। तो वो जो रूल्स हैं उनमें जो चेंजेस करने जा रहे हैं उनका किनको फायदा होगा उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। जो रूल चेंज हो रहे हैं इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट और जिनकी पीआर की फाइल लगी हुई है या ओपन वर्क परमिट की फाइल लगी हुई है उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पूरी जानकारी आपने लेनी है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, वीडियो बहुत छोटी है। तो आप सारी जानकारी तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो देखोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है वो कनाडा इमिग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही दी जाती है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि ये वीडियो का जिनको फायदा होना है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, वो रूल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं अगर उनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है तो उनको 18 महीने का वर्क परमिट और दे दिया जाएगा, जिससे क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट को काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ये रूल चेंज होने जा रहा है अप्रैल में। और जो दूसरा रूल है वो ये है कि अगर आपकी जो फाइल है ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन आपकी अगर चल रही है या फिर पीआर की एप्लीकेशन लगी हुई है और आपका वर्क परमिट खत्म होने जा रहा है तो क्या ऐसा होता है ना कि अगर आपका वर्क परमिट खत्म हो जाता है तो आपको ब्रीजिंग ओपन वर्क परमिट लेना पड़ता है उसको एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है आपके जो वर्क परमिट को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ये भी रूल चेंज होने जा रहा है। तो इससे क्या होगा 2024 तक आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। इससे क्या है आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है तब तक आप अपनी होम कंट्री में इजीली आ जा सकते हैं। तो ये रूल थे जो चेंज किए गए हैं कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से। इन रूल्स के रिगार्डिंग डिटेल में अगर आप डीपली जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं www.cic.gc.ca, वहां जाकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 पे कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि हमारे द्वारा भी जो जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल कनाडा इमिग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही दी जाएगी। और प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।